गुड मॉर्निंग गाइज का हर विशु वाले व्लॉग में आपका स्वागत है। अभी बज चुके हैं सुबह के 5 और अभी मैं उठी हूँ। बलजी और ऋषि यहाँ पे सोए हैं, अभी चलते हैं खाना बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पे आटा गूंद के रखा, अब चलते हैं अंदर। गाइज 6 बज के लिए कितने मिनट हुए हैं और यहाँ पे लग रहे हैं हमारे तड़के वगैरह। इस साइड लग गई है चाय, यहाँ पे कट रही है सब्जी। मैंने पे किया था वैसे तो। ये लग रहा है पनीर में तड़का। ये है हमने टमाटर भुने हुए। भुने हुए टमाटर की चटनी बहुत ही टेस्टी होती है। इनके छिलके मैं निकाल देती हूँ पहले। तो ये मैंने छिलके निकाल दिए हैं सबके। यहाँ पे सोए हैं ऋषि और ऋषि के दादू जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सो जाओ सो जाओ। मम्मी जी के लिए मैंने चाय ऊपर ही लाई क्योंकि ये यहाँ पे कुछ काम कर रहे थे। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले तलेंगे पनीर और ब्रेड को। ब्रेड है मीठे के लिए, पनीर मटर पनीर के लिए। इसमें लगे हुए चने। गाइस 7:10 हो गए हैं। इन दोनों बहनों को नहीं है कि उठे हम कुछ हेल्प करें। सो जाओ कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग तो बोलो। अब चेक कर लेते हैं जरा आटा। आटा तैयार हो गया है, इसकी मैं रोटियां बना के रखूंगी, फिर थोड़ी देर के बाद इसको तलेंगे। ऋषि की हालत देखिए, बाल कैसे हो गए यहाँ से। क्या लॉलीपॉप खा के, कॉफी खा के, क्या खाया आपने नानी के? अब खिलाएंगे ऋषि को सैलक। चटक लो इसको। ऋषि हो गई रेडी नहा धो के, सुंदर बन गई। इसकी बुआ इसको शक्शू पहना रहे हैं। हाय बोलो, बोलो हाय। हाय गाइज, ये है ऋषि की बुआ। तो गाइज हमारा यमी यमी चाक हो गया है रेडी। देखो इतना ब्यूटीफुल है। हमने और क्या क्या बनाया है अब आपको दिखा देते हैं। ये रही सब्जी और ये बनाई है चटनी। ये रहे चावल जो कि हमने खा भी लिए, और ये रहा मीठा ब्रेड का, साथ में ये रहे मटर पनीर और ये रही राजमा मशरूम। तो डैडी यहाँ पे सबसे लास्ट खाना खा रहे हैं। हम सभी ने खाना खाया, डैडी कहीं बिजी थे तो इसीलिए डैडी ने लास्ट में खाया। यहाँ पे सारे बच्चे देख रहे हैं टीवी खाना खाने के बाद। ये जितने भी बच्चे हैं ये हैं मामू वगैरह के बच्चे, मम्मी के भाई के बच्चे। तो ये रहा मेरा छोटू सा देवर जिसको कि मैं छेड़ रही हूँ। शाम का टाइम हो चुका है, गोयल जी वगैरह भी घर में पहुँच गए। गोयल जी के साथ एक गेस्ट आए हैं जो कि इनके साथ बैठे हैं। बाकी है खराल साइड के मेहमान वगैरह। यहाँ पे ताऊ जी देख रहे हैं फोन और सना भी इनके साथ बैठी हुई है जो कि खड़े होने की कोशिश कर रही है। डैडिया चा दिखे दिखे, रुको रुको, इनू आऊँ आप। ओहो, हमारे घर के आगे मधुमक्खियाँ उड़ रही थी तो मम्मी ने इनके ऊपर पानी डाल दिया और हमारे घर के नीचे जैसे ये बैठ गई यहाँ पे। अब डैडी इनको उठाएंगे। ऊपर उठाओ ये टोकरा। और नीचे आओ, रुको रुको डैडी। हाँ फोटो भी लो। हाँ थोड़ी दीन है इस वक्त, सुबह शाम थोड़ी अग्रेसिव, कितनी ज्यादा फंसी हुई है। खा ये रहा मधुमक्खियों का घर, मक्खी घूमती उस जगह अपने से डंक खोने की कोशिश कर रहा। आपने क्या करना? ये लुड़ी उजन पाना है मक्खी जब ठोड़ की था। मैं जाऊं पर रे उतरना सी ना वे। एक मिनट रुक, एक पाटा छोड़ दे। अब जाएगी खुद ही जाएगी।
भाई जिसके अंदर डाल दी बाकी जाएगी नीचे से। एक नीचे वाले आगे लगा देखो आगे लगा है क्वीन गेट। अच्छा अच्छा यहाँ पे लगा है क्वीन गेट नीचे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते। क्वीन गेट मींस इसमें आगे मेटल की जो फ्रेम लगी है ना इसमें जो साइज लगा है ये भरकर भी जा सकते हैं भरकर भी बाहर निकल सकते। क्वीन के साइज में बड़ी होती है वो नहीं होती। ओके ऐसे ये लगी देख बाहर वाली लगी अंदर जाने में। बहुत ज्यादा लेट आई हमारी दियाइनियां छे डाउनलोड अपने रखना इधर है मामा आज खाना मेरी बॉडी नहीं होगी नहीं मेहरबान नोशन। हमारी बुआ जी कितने सज धज के आए हैं कितने सुंदर बन के आए हैं। बहुत निराश किया इन्होंने हमें लेट आए लेट आए फिर देखना इनको जल्दी लगेगी अभी अबे जाना मु 4 बजे अबे जाना मु नहीं जाना चलो नहीं नहीं मैं दो तीन था अच्छी था कि तो बाल दे बाल दे क्या बेना बुआ क्या बेना शाम के 6 बज गए हैं। हम लोग जाएंगे गांव को वहां पे माता रानी के दर्शन भी करेंगे और नाटी में भी नाचेंगे। सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंस जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। हम लोग जा रहे हैं मैं सचित सिमोन सिमोन की मम्मा एक साथ गोयल जी वगैरह पता नहीं किसके साथ जाएंगे। हम लोग जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे यहाँ पे हमें मधु वगैरह मिली ये भी हमारे साथ चलेंगे अब। सचित और सिमोन अपने लिए खिलौने देख रहे हैं सिमोन देख रही है ऋषि के लिए भी खिलौना। यहाँ पे एक साइड चली है दोखड़ी और एक साइड चली है नाटी। ये वाला पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर देख लें। अब पहले देवी देवता के दर्शन कर लेते हैं उसके बाद जाएंगे हम लोग नाटी में नाचने। यहाँ पे रही हमारी माता दशमी वारदा और देवता ब्रिंडू जी। हम लोग जा रहे हैं अभी घर को नाटी हो चुकी है खत्म और अच्छा, अब आएंगे हम तैयार होके नाटी के लिए। नहीं महानाटी हो गई है खत्म ये है हमारी महानाटी कार भी चुकी महानाटी हो गई है खत्म। अब होगा प्रोग्राम दूसरा अंदर तो वो वाली नाटी नहीं थी इसके बाद होगी। हम लोग तैयार होके आएंगे पट्टू पुट्टू लगा के। अब गाइस 7:40 हुए हैं अभी हम लोग यहाँ घर में पहुंच गए। ऊपर बहुत सारे मेहमान आए हैं मैं जाती हूँ ऊपर। कुछ एक मेहमान को हम लोगों ने खाना खिला लिया उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठे। यहाँ पे मेरी एक ननद ऐसी आई है जो कि नई शादी करके पहली बार हमारे घर में आए हैं मम्मी जी के भाई की बेटी है ये। अब जरा अंदर चलते हैं जहाँ पे शिवम ढोलकी बजा रहा है। बजकर 15 हो गए हैं तो थोड़े बहुत मेहमान है बाहर हम लोग तैयार होने जाएंगे अभी के अभी। गाइस वर्दी मैंने लगा दी है अब मैं परांदे से कर रही हूँ अपनी गुत। परांदे से गुत बनाना थोड़ा मुश्किल होता है टाइम भी लगता है तो फिलहाल मैं सीख गई हूँ परांदे से गुत बनाना तो मेरी गुत लगभग तैयार हो चुकी है। अभी मैं इसमें गांठ नहीं मारूंगी ये रबड़ लगाऊंगी क्योंकि ये मैंने स्पेशली इसी के लिए लाए हैं इसमें गांठ डालना मुश्किल होता है। तो ये मेरी गुत हो चुकी है तैयार। अभी सुरेश जी आए हैं मेरे पट्टू लगाने ताई जी के इन्होंने पट्टू लगा दिया है अभी मेरा पट्टू लगा रहे हैं। पट्टू लगाना मुझे नहीं आता इनको अच्छे से आता है अब आगे को मैं पट्टू लगाना भी सीखूंगी धीरे धीरे तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से मेरा पट्टू लगाया। तो अब मैं पूरी तैयार हो चुकी हूँ कैसी लग रही हूँ आज के इस पट्टू के साथ मुझे खुद ही फील हो रहा है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे पे ये और फिट भी बैठ गया है अच्छे से। पट्टू मैंने पहले भी लगाए हैं लेकिन आज का पट्टू सबसे अच्छे से लगा है। तो गाइस ताई जी भी रेडी हो गए हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हम दोनों को सेम पट्टू आया है तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं।
कितनी सुंदर लग रही है। सिंपल वाड़ी लाड़ी बना की थरी वाला लाना ना बा कौन बोल की कौन आए देखा आज दुनिया पर से बस। हम सारे लोग यहां टिक्की दीदी के घर में इकट्ठा हुए हैं। अब हो गई हमारी लीडर भी रेडी। सारे लोग टिक्की दीदी के बरामदे में निकले हैं, अपने अपने रूमाल उंगली उंगलियों में बांध रहे हैं। तो अभी सबके रूमाल बन चुके हैं, अभी निकलेंगे हम लोग सीधा जहाँ पे प्रोग्राम चला है। यहाँ पे हमारे गांव की लड़कियों का डांस चला हुआ है और ऑडियंस आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है। तो थोड़ी देर में हमारी नाटी शुरू होती है। नाटी वाला पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर देख लें। अभी हमारे मुख्य अतिथि और अन्य अतिथिगण को सम्मानित किया जाएगा। हमारे मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जाए। हमारे बीच वार्ड पंच अध्यक्षा पूनम ठाकुर जी, उन्हें शॉल के साथ सम्मानित किया जाए। मीनाक्षी ठाकुर जी हमारे बीच मौजूद हैं, इन्हें भी सम्मानित किया जाए। करण कोटिया जी ध्यान से सुनिएगा, इनको फर्स्ट प्राइज से नवाजा जाए, जिन्होंने घड़े फोड़ में अपनी प्रतियोगिता में एक विनरशिप ली है। 1000 रुपीज की राशि से इनको नवाजा जाए। जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथिगण। और इसी के साथ और मुख्य कलाकार राज ठाकुर जी, राज ठाकुर आपके सामने प्रस्तुत है। राज ठाकुर जी